तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये स्नीक पिक वीडियो है एक, मतलब तो मैं स्नीक पिक दे रहा हूँ। अभी हम लोग ने एक नई SMP बनाई है, यूट्यूबर्स SMP, उसमें सिर्फ यूट्यूबर्स है और अभी 3-4 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब मतलब IP पोर्ट 7-8 बंदों को भेजा तो है यूट्यूब वाले फ्रेंड्स को, लेकिन अभी तक सिर्फ 3-4 बंदे ही ज्वाइन हुए। तो कोई बात नहीं, होएंगे धीरे धीरे ज्वाइन। तो हम तब तक एक स्नीक पिक दे देते हैं हमारे सर्वर का। तो ये मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, एक मैं सामान दिखाता हूँ। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है सामान। मैंने आयरन डाला था, एक सेकेंड वो निकालते हैं। ऐसे एक चीज़ बता दो, वो जो सामने दिख रही है जगह, उस उधर ही किसी पेड़ पे स्पॉन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया और फिर SMP में, और सामने ही विलेज था। तो ये मेरा स्टार्टर हाउस है। तो इधर मेरा फर्नेस में आयरन होना चाहिए, पूरा पका नहीं अभी तक, तीर नहीं डाल सकते। ट्रैप डोर भर दो, इसके बाद ये एक्स का भी कुछ काम नहीं है, एक्स भी भर देते हैं। वैसे भी वाटर बकेट ही बनाएंगे हम इससे। हम वाटर बकेट नहीं, आयरन पिकेक्स बनाते हैं, उससे और आयरन ढूंढेंगे और फिर हम थोड़ा डायमंड ढूंढने जाएंगे सीधा। शीयर्स बना सकता हूँ, वाटर बकेट बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बनाना है। अभी सिर्फ एक आयरन की पिकेक्स चाहिए बस, और ये स्टोन पिकेक्स भी रहने दो। और स्टोन सॉल्ट मैं निकाल लेता हूँ, लड़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास खाना इनफ नहीं है, लेकिन क्या करें, स्टार्टिंग में खाना बनता भी नहीं है इतना। अभी रॉटन फ्लेश से काम चलाते हैं, थोड़े से पिक मार के जाते हैं, थोड़े से नहीं, थोड़े ज़्यादा ही मारेंगे। एमर पॉक चॉप से हेल्थ ज़्यादा बढ़ती है, पूरे माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा पॉक चॉप से हेल्थ बढ़ती है। और कुक पॉक चॉप होना भाई, वरना गोल्डन आराम से खाना यूज करेंगे। इधर कोई, इधर केव है, इधर कोल है, कोल हम बाद में लेंगे। इधर केव है, हमारे पास टॉर्च नहीं है, तो अंधेरे में ही घुसेंगे हम पूरा। और मेरा घुसने का मन नहीं, छोड़ो। अरे मेरे को रास्ता दिख गया। हम पूरी तैयारी करेंगे, पहले फुल आयरन गैर कोल से टॉर्च बना देते हैं। 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं रखने वाला, ठीक है। और आयरन सारा कलेक्ट कर लिया है हम लोगों ने, तो आयरन सॉरी कोल आयरन पिकेट से तोड़ गया था। और ये मेरा स्टार्टर हाउस बनाए थे, अभी भी पहले घर नहीं बनेंगे, सबसे पहला टाउन हॉल बनेगा, उसके बाद ये देखो इसलिए एवेंजर टेंपरेरी हाउस। पहले तो टाउन हॉल बनाएंगे, फिर बाकी सब बनाएंगे। स्टिक्स है, स्टिक्स है, कोल है अभी भी मेरे पास, और ये दो कोल हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं। हमारे वो 8 टॉर्च हो गई है सर, और क्या चाहिए, शवल की ज़रूरत नहीं है, बस खाना बढ़। ए भाई कुछ मटन नहीं चाहिए, पॉक चॉप दो, पॉक चॉप से हल ज़्यादा बढ़ेगी। जल्दी से कुक हो जा, फिर हम जाते हैं डायमंड ढूंढने के लिए। और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे अभी तो, अभी के लिए। अब तक ये कच्चा मटन खा लेता हूँ, और ये कुक पॉक चॉप तैयार हो चुके हैं, और दो बन जाने देते हैं। मेरा रिस्पॉन सेट वापस कर लेता हूँ, वरना मरा तो समझे कि तरह स्पॉन हो गया। हम लोग और एक SMP में ज्वाइन होने, दो और SMP में ज्वाइन है, एक नहीं, एक एयर और एक है उसकी SMP में, और एक धीरज मेरा फ्रेंड बता ही होगा, बहुत बार आ चुका है। तो उसने, उसकी भी एक स्वॉर्ड SMP है, सही SMP है, उसमें भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन दोनों की वीडियो भी जल्दी आएगी, उसमें लाइव तो ट्राई करूँगा लेकिन वीडियो ही डालूँगा।
और इस SMP की कल लाइव स्ट्रीम होगी 12 या 1 बजे, तो रेडी रहना। और 5-10 मिनट की ये वीडियो अभी कर देते हैं बस, तो खाना रेडी। और चलो नीचे, ये जंप ग्लिच बहुत बेकार होता है, ये वाला अटक जाते हैं ना, ये जंप ग्लिच होता है भाई साहब। और उसकी SMP भी सही है, धीरज ने जो बनाई है उसकी SMP में भी बहुत सही सही चीज़ है। अरे भाई सब डर्ट वाले देखने जैसे केव की तरह है। हाँ खाना उपी है बहुत भर के भाई साहब। चलो तो निकलते हैं, अभी टॉर्च लेके हाथ में। तो इधर तो कुछ ज़्यादा देख नहीं, ऊपर केव है लेकिन हम लोग कॉपर मिल गया सही चीज। भाई साहब मेरे को लगा ही था क्रीपर आसपास होगा, और क्रीपर था। एक टॉर्च भी वेस्ट हो गई भाई साहब, कोई बात नहीं कॉपर तो मिल रहा है बहुत सारा। चलो कॉपर पहले कम, वैसे कॉपर से सिर्फ लाइटनिंग रॉड और वो एमेथिस और उससे स्पाई ग्लास बनेगा। तो अब हम सीधा स्ट्रेट डाउन डिक करेंगे 12 पे। वैसे माइनक्राफ्ट के रूल के खिलाफ है, कभी स्ट्रेट नहीं डिक करना चाहिए। और इधर डर्ट आ गई, कोई बात नहीं। इधर टॉर्च लगाओ एक, और वापस से नीचे वुडन पिकेक्सेस करता हूँ, लेकिन इससे स्लो टूटेगा। छोटा सा स्नेक पिक है लेकिन मैं डायमंड माइनिंग। अबे भाई इधर स्टेयर लगी है, ये इधर कोई नीचे, इधर क्या है भाई, इधर कुछ तो है भाई आसपास स्टोन। ओ भाई रूइन पोर्टल, वो भी इतने सिल्क टॉर्च। एक सेकंड, क्या है अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी निकालो भाई। और ये फ्लिंटस्टोन स्टील भी रखो, फायर चार्ज है फ्रेंड्स भाई सब। मेरे को लगा ही था इधर सीढ़ी नहीं लग सकती है। स्माइट टू भाई सही चीज़ मिली। इधर आसपास और एक चेस्ट होती है क्या, इतना आइडिया नहीं भाई साहब। सही चीज़ मिली है भाई रून पोर्टल, मेरे को पता नहीं था रून पोर्टल ज़मीन के अंदर मिलते हैं। मैं सोचता था ओ भाई इधर लावा भी हो सकता है। इधर क्या है भाई स्टोन, पहले खाना खा लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं वापस 12 की हाइट पे। आयरन से कर स्टोन से करते हैं 12 की हाइट पे। चलो मेरे को और 3 आयरन चाहिए, और वो किस लिए चाहिए वो भी बताता हूँ। तो हम सही हाइट पे पहुँचे, इधर डायमंड पक्का मिलेगा 101% गारंटी है भाई। और कोई आने से पहले मैं ही लूटूंगा, वरना मैं अभी वीडियो बंद करके छोड़ूंगा तो कोई दूसरा बंदा आ जाएगा SMP का जो मेरी वीडियो देखा होगा। और इसको रहने देते, लाइट हो रही है। ये वाइट ब्लॉक्स के आसपास मिलते हैं हमेशा मेरे को जितने भी। ये क्या है भाई, एमिथिस मिला है, एमिथिस मिला है, एमिथिस। अबे एमिथिस मिला तो चाहिए भाई इधर, सिर्फ बेसल्ट बेसल्ट नहीं है, इसका कोई नेम है कुछ कोबलस्टोन, और इसका डीप स्लेट है। हाँ डीप स्लेट कोबलस्टोन नाम है इसका। और ये एंड साइड बहुत काम आएंगे टाउन हॉल या घर बनाने में, तो ये भी उठा ही लेते हैं। इनके मतलब लुक अच्छी है थोड़ी, बाकी इसका कोई काम नहीं है इतना। तो हमें सारे वाइट पत्थर खोदने वाले, और रेड स्टोन भी मिल जाए थोड़ा। और ये नहीं, इधर लाइट लगे, इधर नहीं लगे, ज़मीन भी खोद डालेंगे। आज तो डायमंड ढूंढी डालेंगे वहीं से भाई साहब, हमेशा मेरे को वाइट ब्लॉक के पास ही मिले, और सच बोल रहा हूँ वाइट ब्लॉक के पास नहीं, वाइट ब्लॉक के पीछे ही रहते हैं हमेशा।
भाई इधर डीप स्लेट बहुत है भाई, बंदे लोगों के काम का, मेरे इतना काम का नहीं है। मैं इससे घर बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, इतनी भी अच्छी लुक नहीं इसकी। और चलेगा आई इनसे फास्ट कर देगा। और गाइस हम वीडियो एंड ही कर रहे हैं, बस होप कर रहा हूँ कि वीडियो पे ही डायमंड्स मिल जाए, मतलब कोई हैकर वैकर नहीं बोलेगा और ना बोलेगा क्रिएटिव से निकल लिए डायमंड। और इधर कुछ नहीं, ग्रेवल आ गई, कॉपर बहुत सारा मिला है। अभी तक वार्डन ऐड नहीं हुआ, वो गोलम से भी बहुत स्ट्रांग मॉब है। गोलम क्या रैवेजर से भी बहुत स्ट्रांग है। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि इधर आसपास एमएसएस जियोड है, वो छोड़ दे छोड़। अभी हम तो गाइस गाइस बोरिंग हो गया। डायमंड भाई इधर डीप स्लेट बहुत है। आयरन हेल्थ ही खत्म हो गई आयरन के चलते, ये डीप स्लेट ले ही जाते क्या बता इसका। छोड़ो गाइस आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या होता है, तब तक के लिए मैं मर भी नहीं सकता ना इधर। अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा इधर, मेरे को इधर मरना तो पड़ना ही था। अबे हाँ इधर ग्रेवल थी ना, इधर आसपास ग्रेवल थी। हम मरते हैं और फिर वीडियो और बंद करते हैं। ये दो ग्रेवल इधर कुछ तो है, मेरे को लगा ही था एमएसएस जो ओशन के पास ही मिलते हैं। इधर इतना पानी क्यों है, टॉर्च लगा भाई। ओ भाई इधर पानी है, पता नहीं है कौन सी जगह है। इधर डायमंड डायमंड मिलेंगे क्या, कुछ दिख तो नहीं रहा। अबे भाई मर जाऊंगा, एक सेकंड मरना तो है लेकिन क्या है वो देखना भी है मेरे को, कुछ है क्या नहीं। छोड़ो मरते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक।